आज तो पहुंच चुकी है यार बाबा जी की डोली बडासू गांव में, और यहां से यार अब जाके निकलेगी सीधा गौरीकुंड के लिए। तो बन गए अपने दाल राइस वगैरह बढ़िया से, तो चलो यार आज का लंच हो रहा है इस तरीके से। और हर हर महादेव। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं हमारी आज की डेस्टिनेशन यार की गौरीकुंड में। चलो जी भैया मैं तो आ गया हूँ माता रानी के दर्शन करके। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे गाइस। तो आज तारीख है यार 8 मई 2024, और मैं हूँ अभी फाटा में। मैं जा रहा हूँ यार केदारनाथ की डोली के साथ सीधा केदारनाथ, और अभी थोड़ी देर में डोली जाएगी फाटा से गौरीकुंड। तो बने रहो गाइस वीडियो में। जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और जिनको नहीं पता तो आपको मैं बता दूं गाइस मैं निकला हूँ यार उत्तराखंड एक्सप्लोर करने के लिए, जिसमें कि हमारी ये पूरी ट्रिप रहने वाली है 2 से 2.5 महीने की, और इस ट्रिप को हम कर रहे हैं बाय कार। चलो जी गाइस यार निकलते हैं, अभी नहा धो लिए हम लोग बढ़िया से, हो गए फ्रेश अप, और चलते हैं जी यहाँ से सीधा अभी गौरीकुंड के लिए। आपको बता दूं यार गाइस कि जो डोली है यार वो निकल चुकी है कुछ 8 बजे के राउंड, अभी 9 बज रहे हैं। तो थोड़ा सा अपना एडिटिंग का काम भी था यार, क्योंकि यार आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि यार रात को उसमें कुछ कॉपीराइट क्लेम आ गया था, उस वजह से मेरे को थोड़ी सी लेट हो गई। बट कोई बात नहीं यार, अभी हम लोग जाएंगे आगे, और वैसे भी यार मैं तो डोली के साथ ट्रैवल नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं जाता हूँ गाड़ी से। कोई बात नहीं यार, कल से तो यार डोली के साथ ही जाएंगे हम, क्योंकि कल निकलेगी यार डोली गौरीकुंड से सीधा केदारनाथ जी के लिए, जहाँ पे हमें जाना पड़ेगा पैदल। तो चलो अपने अंकित उर्फ डुट्याल भाई, तो डुट्याल जी जा रहे हैं सर सामान लेके, सामान बोक के हमारे रखा है मजदूर रखा अपने साथ हमने एक सामान ले जाने के लिए। तो चलो जी गाइस यार अभी हम लोग थोड़ा सा मार्केट की तरफ गए थे, थोड़ा सा सामान लिया है हमने आगे की जर्नी के लिए, क्योंकि यार आज हम लोग यार खाना खुद बनाने वाले हैं अभी आगे। तो एक तरीके से यार थोड़ी सी कैंपिंग टाइप का ऐसा हो जाएगा, तो यार जैसा कि आपको मैंने ऋषिकेश में भी दिखाया था, और पीछे खड़ी है गाड़ी अपनी। तो चलते हैं यार यहाँ से फटाफट सीधा गौरीकुंड के लिए। गौरीकुंड तक तो गाड़ी हमें अलाउ होगी नहीं, आई थिंक सीतापुर तक ही होगी, तो सीतापुर में गाड़ी लगा लेंगे अपनी। गाइस यार निकल रहे अब हम लोग सीधा फाटा से गौरीकुंड के लिए, तो बोल दो जोर से हर हर महादेव। सो गाइस यार चल गए हम लोग सीधा गौरीकुंड के लिए, और रास्ते देखो जी आप लोग, यार कोशिश तो कर रहे हैं रास्ते बनाने की, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि ये रास्ते वगैरह काफ़ी ख़राब हैं, बट कोशिश चल रही है। लेकिन यार ये कोशिश जो है ना ये काफ़ी लेट है मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि यार अब बिल्कुल यात्रा सीजन शुरू हो गया है, और उसके बाद भी यार रोड अब तक नहीं बनी है, तो अब तक कहाँ हमारी गवर्नमेंट जो इतनी सो रही थी मेरे को समझ नहीं आता है। तो पहुंच चुकी है यार बाबा जी की डोली बडासू गांव में, और यहां से यार अब जाके निकलेगी सीधा गौरीकुंड के लिए। चलो जी गाइस यार अभी यहां पे बाबा केदारनाथ की डोली रुकी थी थोड़ी देर के लिए, और ये जब जिस जगह पे हम रुके इस जगह का नाम है बडासू। तो चलते हैं गाइस यहां से आगे, और पीछे हमारे हैं आर्मी के जवान इनके साथ गाजे वाले के साथ चल रही है बाबा केदारनाथ की डोली। तो आप भी कमेंट में लिख दो हर हर महादेव। गाइस यार पहुंच चुके हैं हम लोग सीतापुर, और अभी हम लोग सीधा यहां से निकलेंगे सोनप्रयाग। और पिछली बार हम लोग यार जब आए थे नवंबर में, तो हम लोगों ने स्टे किया था सीतापुर में, और उसके बाद हम लोग गए थे श्री केदारनाथ जी के पास। तो गाइस यार इस बार हम लोग जा रहे हैं सोनप्रयाग, और वहीं पे अपनी गाड़ी सोनप्रयाग में करी खड़ी कर देंगे यार पार्किंग अपनी गाड़ी वगैरह, और उसके बाद डोली के साथ जाएंगे हम बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के लिए। तो गाइस यार आप भी कमेंट में लिख दो हर 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 महादेव। चलो जी भैया यार अपनी गाड़ी की पार्किंग हमने लगा दी है 3 दिन के लिए, जो कि यार हर 12 घंटे के लिए 100 रुपीज़ चार्जेस रहने वाले हैं,
तो अभी हमने 3 दिन के लिए लगा दिए, तो ये रहने वाली है 600 रुपये 3 दिन के लिए। अब नीचे तो पार्किंग पूरी फुल है, ऊपर देखते हैं जी यहाँ मिल जाए बस कहीं, यहाँ तो मिल ही जाएगी यार ऐसे। चलो भैया, फाइनली गाइस यार हम पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग, और इस तरफ पीछे की तरफ लगा दी है पार्किंग में अपनी गाड़ी, और यार यहाँ से पूरी जो जाएगी पैदल यात्रा शुरू होने वाली है सोनप्रयाग से, क्योंकि यहाँ से यार आगे जो है गाड़ियों को अलाउ नहीं होती गाड़ी वगैरह लेके जाना। इसके बाद यहाँ से जाएंगे गौरीकुंड, और गौरीकुंड के बाद तो यार कल निकलेगी बाबा जी की डोली सीधा केदारनाथ जी के लिए पैदल। तो चलो यार पहले अभी कुछ खाते हैं, कुछ खाया नहीं है मॉर्निंग से, कुछ खाएंगे उसके बाद चलते हैं जी आगे। और गाइस यार यहाँ पे चल रहा है हमारा खाने की प्रिपरेशन। जी हाँ, तो यार बैठे बैठे लोकेशन आप देखो जी, और ये हमारे साथ छत्तीसगढ़ के भाई जी हैं हुनसुंग वांगड़ू। हुनसुंग वांगड़ू भाई है छत्तीसगढ़ से, जो कि ट्रैवल करने निकले हैं सोलो। और भाई साहब लोकेशन देखो जी आप, ये कुछ लोकेशन है, वो सामने की जो आपको रोड दिखाई दे रही है जी, अब ये थोड़ी देर में उसी से जाएंगे सीधा ऊपर की तरफ। बैरिए गाइस बढ़िया सी मंदाकिनी, और इस तरह के नज़ारे यार अभी बढ़िया, बहुत बढ़िया सुकून मिल रहा है। थोड़ी हवा चली ठंडी ठंडी, और धूप लगी है थोड़ी थोड़ी, तो यार इतनी कोई गर्मी लग नहीं रही है, क्योंकि यार हवा चल रही है बहुत बढ़िया सी प्यारी सी। तो यार पीछे आप देख ही रहे होंगे नदी, इस तरफ चल रहा है जी अपना खाने का काम। तो यार ये भी आप ये चीज़ें गाइस, तभी मैं आप लोगों से कहता हूँ कि ट्रैवल करो यार, ट्रैवल करो। अगर आपसे हो सकता है और कहीं नहीं जा सकते तो गाइस कम से कम केदारनाथ बद्रीनाथ तो जरूर आओ यार। यार हमारे सरोलो यानी कि अंकित भाई ने बना दिया खाना पूरा बढ़िया से, और आपको बता दूं यार गढ़वाली में शेफ को बोलते हैं सरोलो, तो जिस चीज़ को पता है यार कमेंट करके बता देना। और इस तरह से बन गए अपने दाल राइस वगैरह बढ़िया से। तो चलो यार आज का लंच हो रहा है इस तरीके से, और चलो हम लोग अभी वेट करना है कि डोली आने का, तब तक अपना खाना वाना कंप्लीट करके फिर निकलेंगे सीधा डोली के साथ गौरीकुंड के लिए। और पीछे का नज़ारा देखो भाई साहब आप लोग, बिल्कुल नदी किनारे बैठे हुए हम लोग। भाई साहब निकल गए हम लोग, तो अपने अंकित भाई हैं, रख लिया अपना सामान वगैरह हमने, और चल रहे जी हम सीधा, और अपने साथ में लेके चल रहे जी अपना टेंट वेंट का पूरा सामान, क्योंकि यार केदारनाथ में तो अपनी ये सेटिंग है वैसे रहने की, बट गौरीकुंड में नहीं है, और वहाँ पर यार कुछ मिले ना मिले रहने को। तो यार ठंडा बहुत है अभी, क्योंकि मौसम एकदम चेंज हो गया, सबने देख लो जैकेट्स वैकेट्स डाल लिया, तो चलते हैं जी फटाफट से। तो गाइस यार हो चुकी है हमारी पैदल यात्रा शुरू, जो कि हो चुकी है नीचे सोनप्रयाग से, और अभी हम लोग जा रहे हैं गौरीकुंड के लिए। तो चलो जी यार चलते हैं लेके केदार बाबा का नाम, और हर महादेव हर हर महादेव। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं हमारी आज की डेस्टिनेशन यार की गौरीकुंड में, तो पीछे आप देख रहे हो जमाड़ा लगा है भक्तों का, और अभी चलते हैं हम लोग यार सीधा, और ढूंढते हैं अपने लिए कैंपिंग की कोई प्यारी सी लोकेशन, उसके बाद आपको डोली के दर्शन कराएंगे आज दोबारा से। तो आप भी यार कमेंट में लिख दो हर हर महादेव, और जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना है। भाई साहब बहुत ज़्यादा भक्तों की भीड़ है यहाँ पर, आप देख सकते हो यार, सच बता रहा हूँ हालत होगी ख़राब हमें जी चलते चलते, क्योंकि हम लोग नीचे यार सोनप्रयाग से आ रहे हैं पैदल अभी ऊपर, और अभी प्यास लग रही है। तो इस तरफ यार पानी का नलका है, तो भाई साहब पानी वानी पीते हैं, उसके बाद ढूंढते हैं आज की रखने की जगह अपनी। चलो जी आप देखो जी आप लोग भीड़ देखो जी गौरीकुंड में, अभी थोड़ी तंग तंग गलियाँ थी यहाँ गौरीकुंड की, जैसा कि आपको मैंने पिछले साल वाले ब्लॉग में दिखाया था, और इस साल भी यार आप देख सकते हो कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पहुँच चुके हैं हम गौरीकुंड में, और अभी शाम का हो रहा है टाइम यार, ये हमारी केदारनाथ यात्रा का है जी तीसरा पड़ाव। और चलो अभी आपको फिर से हम दर्शन करवाएंगे केदारनाथ जी की डोली के जी, चलते रहो। गौरी माता का मंदिर है गौरीकुंड में, चलो जी चलो। तरफ सामने है यार भक्तजनों के लिए भंडारे की व्यवस्था चल रही है शाम की पूरी, जैसा कि यार जितनी भी लोकेशन पर अभी तक हम लोग गए हैं, जो भी हमारे पड़ाव रहे हैं सब जगह हो रही है व्यवस्था। हेलो जी हेलो हर हर महादेव। चलो चलो जी भैया यह है गौरी माई का मंदिर, आप देख सकते हो। चलो जी भैया मैं तो आ गया हूँ माता रानी के दर्शन करके, और अंदर यार शूटिंग अलाउ नहीं है, और जैसा कि आपको बताइए कि जहाँ पे भी यार शूटिंग वगैरह अलाउ नहीं होती है हम लोग वहाँ पे करते नहीं है, चोरी चुपके भी नहीं करते। देखो जी भाई साहब गौरीकुंड में पालकी तैयार हो रही है भक्तजनों को ले जाने की, जो असमर्थ हैं अपने बुजुर्ग लोग जो या बच्चे जो कि जाने का असमर्थ है, तो इस तरीके की यार पालकी हो रही है तैयार। अभी हम लोग आ रहे थे यार अपने कैंपिंग के लिए जगह ढूंढने के लिए, लेकिन यार यहाँ पे ना सब जगह कैंप लगे हुए हैं फुल पहले से ही, हम थोड़ा सा लेट हो गए आने में, बट चलो कोई बात नहीं यार
चलो जी भैया जी, गौरीकुंड में हो गया बारिश अभी, और भीड़ देखो आप, फिर भी यार भीड़ आ रही है जबरदस्त। तो चलो जी गाइस, यार अपना हो गया खाना पीना बढ़िया से, और यार इस तरफ हमारा लगा है टेंट वगैरह। तो आज के ब्लॉग के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। और कल सुबह हम जाने वाले हैं गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ की नगरी में, तो आप भी लिखो कमेंट में हर हर महादेव। तो चैनल पे नया, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके यार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टाटा टेक केयर, हर हर महादेव।